हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल. कर्ज होता तो उतार भी देते, कर्ज होता तो उतार भी देते, कमबख्त तेरा इश्क था चढ़ा रहा, है ना. तो जरा वैसे कुछ जिंदगी है, ऐसे भी कर्ज निभाने पड़ते हैं जो हमने कभी लिए ही नहीं. तो कर्जों की बात हो ही रही है, तो चलिए सुपरसोनिक स्कूटर रिविजन पे डील करते हैं क्रेडिट रिस्क के बारे में. जो कर्ज लिए हैं कभी चुकाए नहीं, उतारने बाकी है ना. तो लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन विथ यू एंड सी व्हाट इज देयर इन चैप्टर 6, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट. सॉरी, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट. यस, योर इट इज चैप्टर 6, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट. कर्जों की बात हो रही है ना, तो कितना मेजर, कितना मैनेजमेंट, ये सारा हिसाब किताब लगेगा. सुपरसोनिक समरी चैप्टर 6, स्कूटर पे बैठे बैठे याद करेंगे क्या क्या है, फटाफट याद करेंगे. ऑल राइट, चलिए. क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट माई पर्सनल फेवरेट टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें बाजल मैनेजमेंट आया, और बाजल मैनेजमेंट मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है. आई हैव बीन टेलिंग यू अलॉट अबाउट दिस, कि कैसे बाजल 2 से बाजल 3 का जब ट्रांजिशन हो रहा था, तो कैसे मैंने ट्रांजिशन किए थे, है ना. तो वो बहुत सारी स्टोरीज आपको पता है, नहीं पता है तो बताऊंगी. चलिए, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट पढ़ने के बाद हमें क्या समझने वाला है? अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पोनेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क, इवेल्युएटिंग क्रेडिट रिस्क, मिटिगेटिंग क्रेडिट रिस्क, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू मैनेज रिस्क एंड क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 5 चैप्टर, 8 चैप्टर आर इंटरलिंक्ड, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर एंड 9 चैप्टर इज डिफरेंट. प्रिडोमिनेंटली देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क, नॉट कैटेगरिकली डेफिनेशन वाइज, बट देन फॉर आर अंडरस्टैंडिंग पर्पज इट इज ऑपरेशन रिस्क, मार्केट रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क में आता है ये आपका क्रेडिट रिस्क मेजर चंक, राइट. एंड दैट्स हाउ इट इज चैप्टर 6, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट. ऑपरेशन रिस्क रिलेटेड चीज़ें देखेंगे 9th चैप्टर में. ऑल राइट, चलिए तो समझते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क. क्या है क्रेडिट रिस्क, है ना. क्रेडिट रिस्क ये है कि देर आर टू कॉम्पोनेंट्स अबाउट इट. व्हाट आर दोज कॉम्पोनेंट्स? देर इज अ काउंटर पार्टी रिस्क. फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन दिया था द किंग ऑफ गुड टाइम्स, है ना, समझ में आ गया. किंगफिशर को आपने ये दिया था, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट हो गया, आपने उसके अगेंस्ट अगर सिक्योरिटी दी कि अगर दिस किंग ऑफ गुड टाइम्स फेल्स टू पे, देन आई विल पे इट. हु आर यू? यू आर अ ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसा हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है. तो मिस्टर किंग ऑफ गुड टाइम्स ने सपोज लोन लिया है क्रेडिट स्विस से, आप हो डॉयशे बैंक. डॉयशे बैंक बोलता है कि ये अगर डिफॉल्ट करते हैं तो मैं आपको इसका पेमेंट करता हूँ. और सच्ची ये डिफॉल्ट कर गए, तो डॉयशे बैंक को क्रेडिट स्विस को पेमेंट करने आया, राइट. सो दैट इज योर काउंटर पार्टी रिस्क. काउंटर पार्टी रिस्क इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. सादा काउंटर पार्टी रिस्क अपने फ्रेंड्स, जिन्हें हाँ आपने पैसे दिए, यार अभी बहुत ज़रूरत है, अभी दे दो, 1 महीने के बाद आई मीन आई विल पे यू, एंड दैट फ्रेंड ऑफ आवर्स साइफंड अवे विथ द फंड्स, राइट. तो दैट इज काउंटर पार्टी रिस्क. सो रिफ्यूजल और इनएबिलिटी टू पे पार्शली और फुल्ली. कौन सा? ओन सम गुड्स एंड सर्विसेज एंड लोन. गुड्स एंड सर्विसेज मतलब नॉन बैंकिंग कॉन्सेप्ट हो गया. पैसे तो ले लिए और गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं प्रोवाइड किए. लोन ले लिया और रीपेमेंट ही नहीं किया. आजकल तो इतने सारे फोन आते ना, लगता है कि सब सबसे एक बार ही लोन ले ही लूँ और डिफॉल्ट कर दूँ तो ये फोन आने बंद हो जाएंगे, इज़न्ट इट. सो क्रेडिट रिस्क ये है. अब टू वे रिस्क है. टू वे रिस्क मतलब बोथ पार्टीज कैन डिफॉल्ट, लाइक सेलर डजंट प्रोवाइड गुड्स. तो ये रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हमने देखा था कि हाई अदर रिस्क हाई अदर रिटर्न, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स. ईट वेल स्लीप वेल एडेज के बारे में बात की थी, कि चूज द हायर रिटर्न और पीस ऑफ माइंड, आपको क्या चाहिए, राइट. तो क्रेडिट रिस्क डिसीजंस कैसे होते हैं? क्रेडिट रिस्क डिसीजन होते हैं कि इंक्रीज इन सेल, हाउ टू प्राइस अ प्रोडक्ट, प्लेसिंग अ क्रेडिट कैप, एक्सेप्ट रिजेक्ट द प्रपोजल्स, राइट. क्रेडिट रिस्क इन कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट ये मैंने ज्ञान ऑफ द डे दिया था शायद आपको, यस दिया था. सो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट्स, देर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट्स इन जनरल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो कैपिटल मार्केट मतलब क्या है? हमें ये सारे इकोनॉमिक में टर्मिनोलॉजीज पता है, वी बीन
डीलिंग विद इट लाइक 11 स्टैंडर्ड से हम देखते आए हैं ये चीजों के लिए. बट देन फॉर दोज हु आर स्टिल वरिड कि व्हाट इज कैपिटल मार्केट, हैव अ क्विक लुक इनटू दिस. कैन यू सी दिस कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट. सो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, क्या क्या होता है कैपिटल मार्केट, मतलब लिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर, बॉन्ड्स, मनी मार्केट में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी, टी बिल्स जिसको हम बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स, कमर्शियल पेपर, सीपीज था, राइट? हमारे टाइम पे तो था, आपके टाइम पे पता नहीं सीपीज का कितना पोर्शन है. फॉरेक्स मार्केट, यूएस डॉलर्स, यूरोज, यूके पाउंड्स एंड अदर करेंसी. बिटकॉइन कहाँ आएगा ये मत मुझे पूछिए, देखेंगे बिटकॉइन का क्या होता है. डेरिवेटिव्स मार्केट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, रिवर्स रेपोज, रेपोज के ये सारे, सीडीएस, सॉरी नॉट रेपो, सीडीएस वगैरह मार्केट आते हैं आपके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव मार्केट में. ऑलराइट, यहाँ पे क्या लिखा था, ओके, सो काउंटर पार्टी में ये भी आता है. ओके, एक फंड मैनेजर है हु वांट्स टू सेल, ओके, एंड देन ही'ल गो टू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देन ऑन हिज बिहाफ, लाइक हुज बिहाफ, फंड मैनेजर के बिहाफ पे ही विल गो टू सीसीपी, सेंट्रल काउंटर पार्टी बोलते हैं किसको, स्टॉक एक्सचेंज या ओटीसी. ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर रहता है, राइट? तो ये फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंक को ढूंढता है हु वॉन्ट्स टू बाय, एंड फिर ये ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प्स फैसिलिटेट द ट्रेड इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स. तो होता क्या है, ये अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं ये वाला, मतलब तो फिर आपके ऊपर इसका प्रेशर आ जाता है, राइट? तो इसके लिए ये सेंट्रल सीसीपी को बीच में लिया जाता है जनरली. तो इसकी स्टोरी अब इतना डिटेल में बताने का टाइम नहीं है. कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्रेडिट रिस्क क्या है, ब्रॉड डिविजन्स क्या है कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्रेडिट रिस्क. एक है आपका डिफॉल्ट रिस्क, राइट? डिफॉल्ट रिस्क मतलब पेमेंट ऑब्लिगेशन, प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं पे किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बढ़ गया, फैक्टर्स कौन से चेक करने चाहिए, हमने फैक्टर्स चेंज करने, जैसे अपना सीबिल रहता है, राइट? सो वैसे क्रेडिट वर्दीनेस रहता है. ये क्रेडिट वर्दीनेस कैसे समझ में आता है, स्टैंडर्ड चार्टर, पुअर्स और ये मूडीज, ये आपको रेटिंग देते रहते हैं, राइट? तो ये रेटिंग का आपको पता चलता है, आप एज इन इन्वेस्टमेंट, आप कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक होता है, साइज ऑफ बिजनेस चेक होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस स्वॉट एनालिसिस जो हमने देखा, 50 स्वॉट एनालिसिस देखे थे डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग के, याद नहीं आपको? ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, स्वॉट एनालिसिस, एक सेकेंड, डिफिकल्ट, ये देखिए स्वॉट एनालिसिस, 30 स्वॉट एनालिसिस हमने देखे हैं, लार्सन एंड टुब्रो का, उसके बाद उसकी वीकनेसेस क्या होते हैं. देखिए ये जो वीकनेसेस है ना, यही आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट? तो यही, और ये जो आपके अपॉर्चुनिटीज या सॉरी वीकनेस एंड थ्रेट्स जो है ना, ये आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ सकते हैं कौन से भी केस स्टडी के लिए. और ये जो अपॉर्चुनिटीज है, इसका मतलब आपको इस पे काम करना है, आप ऐसे सॉल्यूशंस दे सकते हो. और ये जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ यूटिलाइज करके आप सॉल्यूशंस दे सकते हो. तो इसके लिए ये मैंने सारे 30 डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री के स्वॉट एनालिसिस आपको दिए थे. जैसे ये होटल इंडस्ट्री है, तो चाहे कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको, कौन सा भी क्वेश्चन, कोई भी, अब ये वोडाफोन है, वोडाफोन मतलब कौन सा, ठीक है, तो उसका कॉम्पिटिटर कौन है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, राइट? तो पिक एनीथिंग, आईपीएल भी, यस आईपीएल चल रहा है ना, तो आईपीएल का भी डाला है मैंने स्वॉट एनालिसिस कि कैसे करते हैं ये स्पोर्ट्स टीम एंड इवेंट्स का. अगर आपको आ जाता है, पूछ लेते हैं तो क्या आंसर करना है, ये सारे आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट? तो ये था आपका स्वॉट एनालिसिस. इसका और इसका कैसे इंटरलिंक है, वही मैं बताना चाहती थी कि ये स्वॉट एनालिसिस होता है, बिहेवियर ऑफ क्लाइंट देखा जाता है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्सपोजर रिस्क, एक्सपोजर मतलब क्या, पैसे जितना, सपोज मैंने $100 million आपको दिए, सो दैट इज माई एक्सपोजर, मतलब इन इन द क्वेश्चन, राइट? सो एक्सपोजर रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, लेवल ऑफ बैलेंस शीट आइटम. ऑफ बैलेंस शीट आइटम कौन से हो सकते हैं बताइए, ऑफ बैलेंस शीट आइटम ऐसे हो सकते हैं कि जिसको आपने पैसे दिए हैं उसके ऊपर बहुत बड़े फाइन लग गए, जो बिलो पीएनएल के हम लिखते हैं कॉन्टिंजेंट, जो लिखते हैं किसी के ऊपर केस लॉ चल रहा है, सूट चल रहा है और चांसेस है कि वो हार जाएगा, उसको पेनल्टी लग जाएगी, राइट? ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, राइट? डज नॉट हैपन ड्यू टू क्लाइंट्स बिहेवियर और फैक्टर्स लाइक मार्केट फ्लक्चुएशन,
रिकवरी रिस्क कौन सी है? कोलैटरल रिस्क, जो कोलैटरल दिया था तो अपनी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर वाले, है ना, कोलैटरल देते हैं, फिक्टिशियस रहते हैं, एक्चुअली रहता ही नहीं है, और उसका वैल्यू जो करके रखते हैं, फेयर वैल्यू जो रहता है, फेयर वैल्यू बहुत बढ़ा के रखे थे, तो वो जो कोलैटरल दे रखे हैं वो इनएफिशियंट है या प्रॉपर नहीं है या फिर सफिशियंट नहीं है, या एंड थर्ड पार्टी गारंटी, राइट? सो दिस दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्रेडिट रिस्क ब्रॉडर डिविजन पे. चलिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चल रहा है मेजरमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द क्रेडिट रिस्क. सो मेजर कैसे करता है? डिफॉल्ट परसेंटेज, एक्सपोजर अमाउंट एंड रिकवरी परसेंटेज. इसका ना ये थोड़ा सा मैंने नीचे आपके साथ डिस्कस किया था, पहले वो डिस्कस करती हूँ, PDLGD जब हमने देखा था, और फिर से ऊपर आते हैं, राइट? कहा गया वो मिस्टर ए का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, गिव मी अ सेकेंड. यस, दिस 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 राइट. मिस्टर ए है, मिस्टर ए को $1 मिलियन चाहिए, बैंक के पास जाता है, बैंकर जज करता है, और मिस्टर ए है साइली, बहुत तो जाती है बैंक के पास जाती है, और बैंक जज करती कि अच्छा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट साइली विल डिफॉल्ट इट. ओके, तो फिर साइली का नेटवर्क देखते हैं कि साइली का नेटवर्क यार 10 बिलियन है, एक्चुअली नहीं है बता रही हूँ, मिस्टर ए ही रखते, छोड़ो. सो एज नेटवर्क इज 10 बिलियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज जस्ट निग्लिजिबल, राइट? क्योंकि उसने मांगा कितना है, उसने मांगा है 1 मिलियन, उसका ये कितना है, बिलियन में है, तो क्यों इतना बैंक जज करेगी? कोई बात नहीं, ठीक है. फिर वो क्या करेगी कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, कि डिफरेंट पैरामीटर्स देखेंगे कि मिस्टर ए का बिजनेस कैसा चल रहा है, अभी पैंडेमिक हुआ तो कैसा चला, अभी ये यूक्रेन रशिया हुआ तो क्या उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आया क्या, अगर उसके फॉरेन ट्रांजैक्शन है उसका कुछ इम्पैक्ट आया क्या, है ना, लिक्विडिटी पे कुछ इम्पैक्ट आया क्या, ये बहुत सारे प्रोबेबिलिटी जो ऊपर हमने देखे, डिफरेंट पैरामीटर्स हमने देखे कि क्रेडिट वर्दीनेस देखा, बिजनेस कैसे चल रहा है वो देखा, है ना, तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स पे देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, एक रफली 20% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है, मिस्टर ए विल डिफॉल्ट का 20%. अब रिकवरी रेट है, अब रिकवरी रेट मतलब क्या कि मिस्टर ए इज नॉट एबल टू पे ऑन टाइम. मिस्टर ए ने बोला था कि यार 1 मार्च को पे कर दूंगा, अभी 1 मार्च को पे नहीं किया, 5 मार्च को पे किया, विल दैट बी इन टू अ कंसिडरेशन दैट मिस्टर ए हैज डिफॉल्टेड? प्रोबेबली नॉट. 1 तारीख को पे करना था, वो 5 तारीख को पे किया, राइट? सो दैट डज नॉट मीन ही इज अ डिफॉल्टर, राइट? वी विल यूज हिज कोलैटरल एंड ट्राई टू रिकवर हिज ड्यूज बाय द टाइम, राइट? सो लेट्स से वी के अभी मतलब कौन से कोलैटरल्स, कोई भी कोलैटरल, फिर हम वो रिकवरी यूनिट वाले लोगों को भेज देंगे उनके घर पे, उठा के लेके आएंगे, एप्पल आईपॉड है उनके पास, उनके पास जो भी गोल्ड पड़ा है, या जो भी, मजाक कर रही हूँ, गोल्ड वगैरह नहीं, जो भी उनके एसेट्स उन्होंने कोलैटरलाइज करके रखे थे, तो वो कोलैटरल वो उठा के ले लेंगे, और वो बेच के अगर वो बोलते कि चलिए मैं 60% ऑफ माई अमाउंट आई कुड रिकवर फ्रॉम दैट कोलैटरल्स, राइट? दैट मीन्स क्या हुआ कि मैंने 40% लूज किया एज अ बैंक. सो लॉस गिवन एट डिफॉल्ट है 40%. तो एक्सपेक्टेड लॉस कितना हुआ कि 1 मिलियन का एक्सपोजर था, उसका डिफॉल्ट का परसेंटेज कितना था, 20% था, एंड लॉस गिवन एट डिफॉल्ट मतलब आफ्टर कंसिडरिंग आपके आफ्टर कंसिडरिंग आपका रिकवरी, है ना, रिकवरी मतलब आपने सब उसका बेच के, कोलैटरल बेच के जो किया उसको रिकवरी बोलते हैं, तो लॉस गिवन एट डिफॉल्ट हुआ 40%. तो इसका एक्सपोजर 1 मिलियन इंटू 20% इंटू 40% इज योर EL, एक्सपेक्टेड लॉस. लॉस एंड डिफॉल्ट, राइट, प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियसली होती है, इसके लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो दिस इज फैक्टर्ड इन इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन. रेट्स आर डिपेंडेंट ऑन कोलैटरल एंड रिस्क ऑफ द बॉरोवर. ये जब इंटरेस्ट रेट फिक्स होते हैं कोई भी लोन देते वक्त, तो दैट इज बीइंग ऑब्जर्व बाय दीज आर द 3 एस्पेक्ट्स, की प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना है, उसका रिकवरी रेट क्या हो सकता है, एंड LGD मतलब लॉस गिवन एट डिफॉल्ट क्या हो सकता है, और उसके ऊपर एक्सपेक्टेड लॉस आपका कैलकुलेट होता है. दैट इज योर एक्सपेक्टेड लॉस. एंड देन व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड लॉस, अभी बात ही कर रहे तो PDLGD की बात करते हैं. तो क्रेडिट लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस मतलब क्या है आपका, EAD मतलब एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड लॉस गिवन एट डिफॉल्ट. लॉस गिवन एट डिफॉल्ट के हमने क्या क्या देखे कि हमने देखा कि रिकवरी रेट क्या है उसका, और उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट करके कितना माइनस हो जाता है, तो वो है आपका एक्सपेक्टेड लॉस. अनएक्सपेक्टेड लॉस मतलब क्या, बैंक्स हैव टू सेफ गार्ड अगेंस्ट UL. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि ये इस
इसके लिए ज्यादा बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है. क्या कॉशियस रहना पड़ता है कि यूएल अगर हो गया, अनएक्सपेक्टेड लॉस अगर हो गया, तो उसके लिए उनको फंड रखने पड़ते हैं साइड में. तो लॉस इनकर्स ओवर एंड अबाउ द एवरेज लॉस, सो वेरिएशन इन ईएल एक्सपेक्टेड लॉस, राइट? तो कैपिटल नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेन अनएक्सपेक्टेड लॉस. सो पीडी क्या है? पीडी इज योर प्रोबेबिलिटी, रिस्क और चांसेस ऑफ डिफॉल्ट. एलजीडी क्या है? लॉस लाइकली टू सफर इन डिफॉल्ट, कंसिडर्स द रिकवरी लाइकली टू बी मेड. और ईएडी क्या है? एक्सपोजर एट रिस्क. एंड डिफॉल्ट मीन्स बोरोवर अनलाइकली टू पे क्रेडिट ऑब्लिगेशन, बैंक डजेंट हैव एनी रिकोर्स एक्शन, लाइक कोई कोलैटरल नहीं बचा है, एंड पास ड्यू मोर देन 90 डेज. वो आपको याद है अपन एनपीए का ये करते हैं कि 30 डेज, मोर देन 60 डेज, मोर देन 90 डेज, है ना? देखेंगे वो. तो ये कॉन्सेप्ट है जो नीचे था लेकिन ऊपर भी काम में, मतलब ऊपर काम में आता है. तो हमने वो वैसे ही देखा था जब हम ये कोर्स स्ट्रक्चर कर रहे थे. चलिए, मेजरमेंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट रिस्क के बारे में बात करते हैं. आज तो बहुत लंबा जाने वाला है क्योंकि ये चैप्टर ही बड़ा बड़ा है. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट रिस्क, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, वही सेम चीज है. रिस्क के इंटरनल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क, कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, वही चीज है. आप कनेक्ट करो इंटरनल फैक्टर्स, आपके ज्योग्राफिक लोकेशन, इंडस्ट्री टाइप, पर्पस ऑफ लोन, क्रेडिट अप्रेजल, रिकवरी मैकेनिज्म. ज्योग्राफिक लोकेशन, रशिया और यूक्रेन का चल रहा है ना, आपने उसको ये कर दिया, सडनली स्विफ्ट के इस पे, रशिया के इस पे सैंक्शन आ गए. सैंक्शन मतलब नॉट लाइक सैंक्शन जो देते हैं, नॉट सैंक्शन सैंक्शन, राइट? सैंक्शन मतलब प्रॉब्लम्स आ गए, ऐसे समझिए आप, राइट? वर्ड थोड़ा सा, इंग्लिश इज फनी लैंग्वेज दैट वे. एक्सटर्नल फैक्टर्स, फॉरेक्स के इसमें चेंज होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होता है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस, प्रोजेक्ट चेंजेस, राइट? टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज कौन से है? रिटेल एंड होलसेल. रिटेल में आपके मॉर्गेजेस, पर्सनल लोन, डेट कार्ड्स, इक्विपमेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट. होलसेल में सेम होलसेल मार्केट है ना. फंड बेस्ड फैसिलिटीज. फंड बेस्ड फैसिलिटीज क्या है? बहुत सारे आपके यहाँ में प्रोडक्ट्स है, पर्सनल लोन है, मॉर्गेज है, वर्किंग कैपिटल है, डिमांड लोन है, टर्म लोन है, प्रोजेक्ट इंफ्रा लोन है, माइक्रो फाइनेंस है, मतलब स्मॉल बिजनेस के लिए दिया है, रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन है एंड एग्रीकल्चर लोन है, राइट? इसके इसमें हमने वर्किंग कैपिटल का ये एमबीपीएफ का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना. मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल असेसमेंट, कैसे 1:1 कौन सा रेशो चाहिए, 1.33:1 कौन सा रेशो चाहिए, 1.5:1 कौन सा रेशो चाहिए, आपका ये सारे जो फॉर्मूले है वो फॉर्मूले पे कभी तो क्वेश्चन आता है, आया है. तो ये मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, लोन, ओवरड्राफ्ट है, ओडी जो बोलते हैं, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, पैकेज क्रेडिट, फैक्टरिंग, ये कैश क्रेडिट के प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वाले उसके और लेग्स है. पैकिंग क्रेडिट में प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट है. फैक्टरिंग मतलब कैसे फैक्टरिंग करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है, फिर उसका बायर रहता है, फिर उसका सेलर रहता है, राइट? सो दैट्स दैट. आगे बढ़ते हैं. नॉन फंडेड फैसिलिटीज, गारंटी दे दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया. लेटर ऑफ क्रेडिट का एक क्लासिक एग्जाम्पल आपका पीएनबी है ना, नीरव मोदी के केस में क्या क्या हुए थे, पीएनबी का स्कैम में क्या हुआ था, ये सब चीजें लेटर ऑफ क्रेडिट में डिस्कस किए थे हमने. बैंक क्रेडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, क्लासिफिकेशन, हाँ ये मैंने जो बता रही थी आपको कि एनपीए जो होता है, स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड असेट, डिफॉल्टेड, डाउटफुल असेट एंड लॉस असेट, मतलब डिफॉल्ट हो गया. तो स्टैंडर्ड असेट मतलब क्या है कि नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट. सब स्टैंडर्ड मतलब एनपीए नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स. डाउटफुल मतलब सब स्टैंडर्ड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ एंड लॉस पोटेंशियल थ्रेट ऑफ नॉन रिकवरी. एंड एनपीए कब होता है, इंटरेस्ट ओवर ड्यू 3 मंथ्स और मोर. इवैल्यूएटिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क, कैसे इवैल्यूएट करेंगे, अंडरस्टैंड द रियलिटी, चेक द क्रेडिबिलिटी, आस्क एंड चेक फॉर द रेफरेंसेस, ड्यू डिलीजेंस, रिकवरी एंड नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है. मिटिगेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क, कैसे मिटिगेट करते हैं कि पैरामीटर्स बोरोअर के चेक करो, अदर पैरामीटर्स चेक करो, ऑर्गेनाइजेशन के पैरामीटर्स चेक करो. हाउ क्रेडिट रिस्क इज मिटिगेटेड, हमने देखा फंडेड, नॉन फंडेड चीजें है. टाइप्स कैसा है, बैलेंस शीट नेटिंग पे करिए, कोलैटरलाइज करिए. क्रेडिट वर्दीनेस डिपेंड्स कैसा है, किसने प्रोवाइड किया है, नेशनल बैंक ने प्रोवाइड किया है और कोई रेटिंग एजेंसी ने दिया है, राइट? तो बाजल टू का ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रेडिट रिस्क कंपोनेंट कैसे आता है, थ्री पिलर्स कैसे आए, ये थ्री पिलर्स कैसे आए, ये हमने बाजल के इसमें देखे थे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बाजल,
कौन से थ्री पिलर्स थे? देखो पहले पहले तो ये पिलर वन, पिलर टू एंड पिलर थ्री। तो आपका ये जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, सुपरवाइजरी क्या रिव्यू प्रोसेस है, और एनहांस डिस्क्लोजर जो आए हैं, तो ये थ्री पिलर्स, इसको ऐसे बोलते हैं कि थ्री पिलर्स ऑफ द कैपिटल ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गए हम? अरे बहुत ऊपर आ गए। बाजल थ्री के थ्री पिलर्स। बाजल थ्री का मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्डाइज अप्रोच, AIRB एंड रिस्क मिटिगेशन। स्टैंडर्डाइज अप्रोच मतलब क्या? कि स्टैंडर्ड रेटिंग लेते हैं। कौन कौन देता है ये रेटिंग? ये रेटिंग देते हैं आपकी इंटरनल टीम ही देती है। तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच क्या है? स्टैंडर्डाइज मतलब क्रेडिट रेटिंग और RWA कैलकुलेट होता है। AIRB मतलब इंटर्न, सॉरी नॉट स्टैंडर्डाइज इज इंटरनल रेटिंग, AIRB इज इंटरनल रेटिंग। स्टैंडर्डाइज अप्रोच मतलब जो स्टैंडर्ड बाकी मूडीज या ये आपके जो रेटिंग क्रिसिल जैसे रेटिंग एजेंसी रहती है, उनसे रेटिंग लेके फिर आप RWA मतलब रिस्क वेटेड असेट लेते हो। AIRB मतलब इंटरनल एडवांस इंटरनल रेट बेसिस, मतलब इंटरनल टीम बैठती है जो रेट करते रहती है। एंड रिस्क मिटिगेशन मतलब सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन को आपको याद है मैंने बहुत इससे बोला था कि सिक्योरिटाइजेशन मतलब क्या? एक फंड रहता है, फंड के अंदर मतलब सारे बहुत सारे आप वो ट्रांचेस क्रिएट करके रखते हो, और वो ट्रांचेस कैसे बेचे जाते हैं, तो कैसा रिस्क का हम मिटिगेट कर सकते हैं, तो वो है सिक्योरिटाइजेशन। बहुत म्यूचुअल फंड के कैसे बहुत सारे आप यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, और ये म्यूचुअल फंड के कैसे बाहर सब अलग अलग इस पे ये करते हैं और आपको सर्टेन टाइप ऑफ परसेंटेज देते हैं, वैसे सिक्योरिटाइजेशन के हमने देखा था कि ट्रांचेस बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांचेस बनाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ट्रांचेस सेल आउट करते हैं मार्केट में और रिस्क कम करते हैं, राइट? सो दैट इज सिक्योरिटाइजेशन। अदर टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन क्या है? रिस्क बेस्ड प्राइसिंग करना है। रिस्क कितना रिस्क है, डिफॉल्ट रिस्क जितना ज़्यादा है उसका इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा। क्रेडिट इंश्योरेंस लेना है, मतलब आप एक नहीं कर सकते हो तो आप खुद को सिक्योर करके रख लो, है ना? कि मैं सपोज आप डॉयशे बैंक है, आपने सिक्योरिटी दे रखी थी लेट सपोज एक्स पर्सन, या फिर आपके ये जो किंगफिशर का था या फिर सुब्रतो राय का था, राइट? तो आपने उसके लिए सिक्योरिटी दे रखी थी, लेकिन आपको लगता है यार ये बहुत ज़्यादा ही मैंने ले लिया, तो आप खुद को भी किसी UBS के पास जाते हो और बोलते हो कि यार मैंने इसके अगेंस्ट दी है, ये डिफॉल्ट करता है तो मुझे इतना पेमेंट करना पड़ता है, तो अगर मैं कर नहीं पाता हूँ तो आप भी करना, राइट? तो इंश्योरेंस आप क्रेडिट इंश्योरेंस ले लेते हो। टाइटनिंग रहता है मतलब आपका क्रेडिट पीरियड रिड्यूस कर लो, लेंडिंग नॉर्म्स और भी स्ट्रिक्ट कर दो, डाइवर्सिफिकेशन करना मतलब जो अपन ने देखा ऊपर, सिक्योरिटाइजेशन करो, डाइवर्सिफाई करो, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन टू वन बास्केट दे से, राइट? तो ऐसा डाइवर्सिफिकेशन करो कि जैसे रिस्क है RWA के, जब वक्त हमने डिस्कस किया था कि रिस्क वेटेड असेट्स कैसे होते हैं, इक्विटीज 100% रिस्क वेटेड असेट, या फिर आपके जो कैश है वो इतना रिस्क वेटेड असेट नहीं है, तो ये डाइवर्सिफाई करो कि थोड़ा सा इसमें, थोड़ा डेट करो, थोड़ा इक्विटी लो, राइट? कोवेनेंट्स डालो, पुट कोवेनेंट्स लाइक ऑडिट, पीरियडिकल फाइनेंशियल रिव्यू एंड डेट कवरेज रेशियो चेक करो, राइट? आगे बढ़ते हैं, क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट क्या है बैंक और FI मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव से। ट्रांजैक्शन RM, उसके बाद है पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर। सो ये FI मतलब बैंकिंग एंड इंडस्ट्री के क्या करेंगे? क्रेडिट डेलीगेशन मैट्रिक्स बनाएंगे, क्रेडिट मतलब डेटा मेकर कैन नॉट बी डेटा चेकर, राइट? तो वैसे ही क्रेडिट जो दे रहे हैं वो, उसके बीच में आपको याद है कि कितने सारे लीगल टीम्स बैठते हैं, क्रेडिट मैनेजर्स बैठते हैं, जो आपके सर्वे करने के लिए आते हैं वो कितने लोग बैठते हैं, एंड जो फाइनली आपको डिसबर्स करता है वो टीम इज डिफरेंट। तो क्रेडिट डेलीगेशन मैट्रिक्स जो हमने देखा था कि ये अलग अलग तरीके से क्रेडिट रिस्क डेलीगेशन करिए, क्रेडिट अप्रेजल्स करिए, कलेक्शन एंड रिकवरी मैनेजमेंट रखिए, पोस्ट डिस्बर्सल कोलैटरल चेकिंग करते रहिए, एक बार लोन दे दिया और भूल गया ऐसा नहीं, तो उसके ऊपर वॉच रखना चाहिए, वो कौन वॉच रखेगा? तो दिस पोस्ट डिस्बर्सल कोलैटरल चेकिंग वाले रखेंगे। वही चीज़ आपके पोर्टफोलियो पे है, रिस्क एनालिसिस करो, डैशबोर्ड बनाओ, मॉनिटर करो उसका क्वालिटी, रेटिंग डाउनग्रेड हो गया तो क्या करना है, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री डाउनग्रेड हो गई जिसमें आपने पोर्टफोलियो बनाया है तो उसका क्या करेंगे, राइट? 8.1 बोरोवर ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट, कैपेसिटी, कैपिटल, कैरेक्टर, कोलैटरल और आपका है कंडीशंस, ये चेक करने हैं, राइट?
ये नो ब्रेनर, इतना कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है. 8.1 क्रेडिट ड्यू डिलीजेंस फॉर रिटेल फाइनेंसिंग, स्कोर कार्ड, प्री डिफाइंड क्रेडिट मैट्रिक्स, प्री अप्रूव लोन्स, फार्म लोन्स रहा तो कैसे सॉइल फर्टिलिटी देखेंगे, एरिया अंडर कल्टिवेशन, रेनफॉल, रिजर्वॉयर कौन से है, प्रोड्यूस पर एकर देखेंगे, राइट. क्रेडिट ड्यू डिलीजेंस फॉर होलसेल फाइनेंसिंग, अगेन 5 C's अबाव, स्मॉल मिड लार्ज कॉर्पोरेट इसके लिए. तो एस्पेक्ट्स ऑफ अप्रेजल कैसे होगा, बोरोअर का असेसमेंट होगा, प्रोजेक्ट का असेसमेंट होगा, अदर कॉविनेंस हो गए और कोलैटरल देखे जाएंगे, राइट. क्विकली आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट रेटिंग स्केल्स देते हैं, राइट. जो ये देखिए, ये क्रेडिट मूडीज, फिच एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर. तो बैंक होल्डिंग कंपनी का, ये मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट स्विस का था, राइट. डोंट वरी, इट इज़ पब्लिकली अवेलेबल, सो आई कुड यूज़ इट. ये मैं पब्लिश कर सकती हूँ क्योंकि ये अवेलेबल है. और ये इसके रेटिंग के, हमें जब रेटिंग आया था तो ये रेटिंग का क्या आगे हुआ था, कभी और बताऊंगी इसकी कहानियाँ. तो ट्रिपल ए रेटिंग होता है, फिर आपका ए प्लस, ए टू, ए थ्री माइनस, ट्रिपल बी, बी प्लस, बी माइनस, ऐसे ये रेटिंग दिए हैं, ठीक है. इसके अंदर फिर आपके ए ए टू, ये कैसे रीड करना है, मैंने आपको बताया था कि HSBC, JP Morgan, UBS, क्रेडिट स्विस का कैसे ये हुआ था, ये देखिए, है ना. इतना टाइम है नहीं अपने पास, बट ट्रिपल ए मतलब हाईएस्ट सेफ्टी है, डबल ए हाई सेफ्टी, ए इज एडिक्वेट सेफ्टी, ट्रिपल बी इज मॉडरेट सेफ्टी, डबल बी इज मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, इंस्ट्रूमेंट्स का देखा था, एजेंसीज हमने देखे थे, प्लस माइनस साइंस देखे थे, राइट. पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट, वही सेम चीज़ें, पोर्टफोलियो के रिस्क मैनेजमेंट का वही इवैल्यूएट करो, पोर्टफोलियो कैसे चल रहा है, वो कैसे मॉनिटर करना है, इसके रेमेडियल मैकेनिज्म क्या है, रिटेल फाइनेंसिंग के पोर्टफोलियो कौन से है, होलसेल फाइनेंसिंग के पोर्टफोलियो कौन से है, राइट. तो ये आपके स्पेशल मेंशन अकाउंट क्लासिफिकेशन है, ये भी एक अलग अलग चीज़ हमने देखी थी कि SMA 0 की प्रिंसिपल इंटरेस्ट नॉट ओवर ड्यू फॉर 30 डेज, SMA 1 लाइक ओवर ड्यू 31 to 60 डेज, SMA 2 ओवर ड्यू 61 to 90 डेज, राइट. कॉन्सेंट्रेशन रिस्क मैनेजमेंट हम जो देख रहे थे. फिर आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस, मैंने वो ऊपर आपको जैसे दिखाया था वो क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस है. क्रेडिट लॉस एस्टिमेशन, वही चीज़ PDLGD जो आपने थोड़े 2 मिनट पहले ही एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, तो ये PDLGD कैसे होता है. फिर पूलिंग मेथड क्या है, टाइप्स ऑफ PD, पूलिंग मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड और स्ट्रक्चरल मेथड. पूलिंग मेथड मतलब हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट डिफॉल्ट्स, रिस्क ड्राइवर पूल्स एंड जनरली 1 ईयर. स्टैटिस्टिकल्स में लॉजिस्टिक आपके रिग्रेशन एनालिसिस होते हैं, बाइनरी डिपेंडेंसी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे जाते हैं. स्ट्रक्चरल मेथड में जनरली फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज असेट्स एंड लाइबिलिटीज वैल्यूएशन होता है, फर्म का वैल्यूएशन होता है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ लॉस गिवन ऑफ गिवन डिफॉल्ट. LGD कैसे करते हैं, एक साइक्लिकल LGD रहता है, लॉन्ग रन LGD रहता है और डाउन टर्न LGD रहता है. साइक्लिकल मतलब पॉइंट इन टाइम देखते हैं, लॉन्ग मंथ थ्रू आउट द साइकिल, एंड डाउन टर्न मतलब वर्स्ट टाइम ऑफ इकोनॉमी के, इसमें LGD आपके डिफाइन होते हैं. फिर ये बहुत ही मेरा फेवरेट था CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप्स. इसकी तो ये वाली जो हमने देखी थी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये कैसे CDS होता है. CDS मतलब क्या पता है ना आपको, चलिए बता देती हूँ अगर याद नहीं आ रहा है तो. एक पेंशन फंड रहता है, हाँ, ये पर्टिकुलर डायग्राम आप एक बारी ध्यान में रख लो तो कोई भी CDS का आपको प्रॉब्लम आती है तो यू विल बी एबल टू आंसर इट. पेंशन फंड रहता है, एक कॉर्पोरेट रहता है. सो पेंशन फंड 10 मिलियन रहता है और ये वो बोलता है कि यार अब मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, मैं उसको ना कहीं तो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ करूँ. तो इंटरनल उसकी ये रहती कि जिसकी रेटिंग BB+ रहती है तो उसको ही आप पेंशन फंड मतलब उसमें ही ये पेंशन फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट. तो फिर पेंशन फंड क्या बोलता है कि रेटिंग दी है फॉर एग्जाम्पल GM मतलब जनरल मोटर्स, राइट. तो उसका BB रेटिंग है, मूडीज ने दिया है, तो वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं ना इसमें ये करता हूँ. लेकिन इसमें आप क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप में क्या आता है, ये एक्सा करके ये आ जाती है, वो बोलती है कि अगर GM डिफॉल्ट करता है तो मैं आपको ये पैसा देता दे देता हूँ कि AIG से इन केस ऑफ GM डिफॉल्ट AIG विल पे द GM's डेट, राइट. तो इसके अगेंस्ट AIG को क्या मिल रहा है GM से,
वो लेता है कुछ कमीशन फी बेसिस से लेता है, राइट। तो ये हमने डेरिवेटिव सीडीएस के ये देखे थे कि ऐसे मल्टीपल ये हो जाते हैं कि डिफॉल्ट कर लेता है। सपोज ये B1 का 20 मिलियन, ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल हमने देखा था कि B1 को 20 मिलियन है और वो हेज फंड पे उन्होंने किया, अगर B1 डिफॉल्ट हो जाता है तो उसका स्ट्रेट वे इम्पैक्ट I1 पे आता है, और I1 अगर इसने भी उसका कोलैटरलाइज करके रखा है तो वो कैसा डिफॉल्ट होता है, ये आप समरी देख के जाना। अगर B1 डिफॉल्ट होता है तो कितने इम्पैक्टेड पार्टीज हो जाते हैं, कि इम्पैक्टेड पार्टी अगर I2 मतलब जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो हेज फंड AI ऑल्सो, राइट। तो ये मेनी फोल्ड प्रॉब्लम हमने डिराइव किए थे। तो ये CDS का बहुत अच्छे से जो हमने वन बाय वन कैलकुलेट करके देखा था वो पढ़ के जाना। ओके चलिए, क्रेडिट इंश्योरेंस। क्रेडिट इंश्योरेंस मतलब क्या है, कि क्रेडिट रिस्क आपके प्रोटेक्ट, क्रेडिट इंश्योरेंस मतलब ट्रेड बिजनेस एक्सपोर्ट के लिए जो दिए थे। क्रेडिट इंश्योरेंस और CDS में क्या फ़र्क है, इंश्योरेंस इंडेमनीफाई करता है, CDS इक्वल पे आउट करता है, रिक्वायर्स बायर टू डिस्क्लोजर ऑल देयर रिस्क, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्लाइस द रिस्क पार्ट इन पर्टिकुलर, ये हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे थे। 8.9 अदर क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन, स्टिपुलेशन ऑफ कोवेनेंट्स मतलब जो भी आपके कंडीशंस है वो स्टिपुलेशन मतलब वो आप चेंज करते रहिए, आपके बॉरर के सैंक्शंस, अप्रूवल लिमिट्स, पीरियोडिकल रिव्यू, आपके कोलैटरल कितने हैं वो देखते रहिए। सेकेंड चीज़ है कोलैटरल एंड सिक्योरिटी, थर्ड चीज़ है आपके स्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, सेल डाउन और सिंडिकेशन और सिक्योरिटाइजेशन या फिर को पार्टिसिपेशन करना है, सेल डाउन कर लो कोई लार्ज ये है उसका चंक करके बेच दो, सिंडिकेशन लोन सिंडिकेशन इज द यू नो ग्रेट कॉन्सेप्ट कि लोन सिंडिकेशन कैसे करते हैं, सिक्योरिटाइजेशन कैसे करते हैं। फिर आता है आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, इसमें तीन टाइप है, अल्टमन जी स्कोर, फिर आपका रिस्क एडजस्टेड कैपिटल एंड देन है आपके फाइनेंशियल रेशियोज। सो अल्टमन जी स्कोर में हमने देखा था उसका एग्जाम्पल हमने देखा था, एज इन उसके हिस्ट्री हमने देखी थी कि कैसे रोनाल्ड फिशर केम अप विद द डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस टेक्निक, फिर ये हमने देखे थे कि कितने परसेंट चांसेस है कि वो सक्सेसफुल रहेंगे, कोएफिशिएंट वेरिएबल्स हमने देखे थे कि क्या हो सकता है, फिर इन्होंने कौन से पांच एस्पेक्ट पे लिया था, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, इंडेबटेडनेस एंड प्रोडक्टिविटी, तो ये कैसा उसका ABCDE बढ़े, फिर G1 वाला आया तो उसके लिए हमने कैसे देखा कि वर्किंग कैपिटल आया, फिर रिटेन्ड अर्निंग, EBIT, बुक वैल्यू एंड टोटल सेल्स, फिर तीस आगे का वर्जन उनका निकला तो वर्किंग कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, EBIT, टोटल असेट्स एंड बुक वैल्यू के हुए, राइट। तो उन्होंने ये हमने देखा था कि डिस्ट्रेस जोन, फिर ग्रे जोन एंड सेफ जोन। तो डिस्ट्रेस जोन में आते तो इमीडिएट आपको कुछ ना कुछ उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ग्रे जोन मतलब बैंक्रप्सी विद इन 2 ईयर्स हैपन होगी, एंड सेफ जोन में मतलब नो रिस्क आएगी। तो ये कैसे, ये हमने इसका कैलकुलेशन देखा था कि वेरिएबल कैसे उन्होंने प्लॉट किए थे, राइट। सो दैट इज ए कोएफिशिएंट वेरिएबल, सो दैट्स दैट। एंड देन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, तो अल्फा बीटा और शार्प रेशो देखे थे, आर स्क्वायर रेशो देखे थे। अल्फा मतलब क्या, मार्केट इंडेक्स का बेंचमार्क यूज़ करो, बीटा मतलब क्या, वोलेटिलिटी यूज़ करो, शार्प रेशो कैसे डिराइव करते हैं, है ना। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी सीन। फिर ROAC रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड वो कैसे करना है, इकोनॉमिक कैपिटल मतलब क्या है, वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क तो आपने चैप्टर 5 में हो गया था, कैसे है वो वैल्यू एट रिस्क, याद है आपको हमने ये ऐसा वाला बायनोमियल कर्व देखा था, फिर आपको 5%, 10% एंड 1% का ये वाला पोर्शन देखा था, फिर ये बचा हुआ 95% अगर 5% का लिया तो कैसे वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट करते हैं, है ना। सर ROAC रिस्क एडजस्टेड कैपिटल रिटर्न के इसमें 2 बेसिक रीजन है, रिस्क मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। रेशोज हमने देखे थे कि सेल्स एंड ग्रोथ रेशोज, EBIT के ये देखे, PAT, आपके टर्न ओवर रेशो, टेंजिबल TNW देखा था, राइट। सो टेंजिबल नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशो, ये सारे रेशो के आप को एक सेपरेट चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट में हमने, याद है आपको, हम एग्जांपल्स लिए थे बहुत सारे, तो ये वाले चीजें आपको एक बारी हैंडी रखने हैं आपके कोर्स के, आई मीन
इसके लिए हमने ये भी देखा था कि आपके जो एफएम का कुछ पोर्शन है वो कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के हमने देखे थे कि कैसे कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज किया वो हम देखे थे। हाँ देखो, कैश फ्लो तो आ ही गया, ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब क्या, कैपेक्स कैपेक्स करना मतलब क्या, याद है आपको? कैपेक्स मतलब एक आपका चंक ऑफ असेट्स है और उसके ऊपर आप कैपेक्स बढ़ाते जाते हो, तो वो मैंने आपको, मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मेरा एग्जांपल बोला था कि कैपेक्स कैसे चेंज होता है, फाइनेंशियल कैश फ्लो, फिर वर्किंग कैपिटल कैसे चेंज होते हैं, इन्वेंट्री डेज, पेबल डेज, करंट रेशो, क्विक रेशो, है ना। फिर आते हैं क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स। व्हाट इज क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स, क्या क्या है आपके? तो कंट्रोलिंग रिस्क सिलेक्शन, ट्रांसलेटिंग रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इनटू अप्रोप्रिएट प्राइसिंग, मैनेजिंग क्रेडिट लॉसेस, इवेल्युएटिंग न्यू लोन और रिड्यूसिंग लोन अप्रूवल्स, टाइप ऑफ क्रेडिट, फीको स्कोर देखा, वेंटेज स्कोर देखा, प्लस स्कोर देखा, ठीक है। और देखे एक्सपीरियन, नेशनल इक्विवेलेंसी स्कोर एंड इक्विफैक्स, राइट। सो ये सब हमने देखा। हम ये भी देख लेते हैं, रिस्क रिटर्न, PDLGD हमने देखे, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट रिस्क, फंड बेस्ड फैसिलिटीज, नॉन फंडेड, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट रिस्क, सेम चीजें हैं। इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट रिस्क जैसे आपने एक्सक्यूज मी, जैसे आपने साधा आपका रिस्क इवेल्युएट करना है, वैसे ही इवेल्युएशन ऑफ रिस्क होता है। टेक्निक्स, 5 Cs कौन से है? कैपिटल, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलेट्रल कंडीशन, क्रेडिट रिस्क स्केल्स कैसे है, क्रेडिट रिस्क क्या है, क्रेडिट लॉस एस्टिमेशन, PDLGD अप्रोच, क्रेडिट इंश्योरेंस, क्वालिटेटिव टेक्निक्स, अल्टमेट जी स्कोर कैसे, फार्मूला, फार्मूला भी देके रखा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, अल्फा बीटा, शार्प रेशो, आर स्क्वेर्ड, RARoC, है ना। तो ये सब कुछ हमने देखा। लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। तो ये है आपका मोटा मोटी सारे क्रेडिट रिस्क रिलेटेड, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है, तो बस यही है। कल के चौकीदार मत बनो, कल के कर्ज के चौकीदार मत बनो, आज का फर्ज निभाओ। तो आज क्या है, आज हमें ये पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ये बहुत टच एंड गो कॉन्सेप्ट रहती है, बिकॉज ये पूरे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता रिविजन में। रिविजन इज स्कूटर रिविजन, लाइक फटाफट हमें अगर रिवाइज करना है दैट पर्टिकुलर चैप्टर, सो दैट्स दैट। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ट्रबल्स, कंसर्न्स, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आपको कुछ एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ कंसर्न्स है, इश्यूज है, नहीं समझ में आ रहा है, आई नो समझ में नहीं आ सकता, बहुत जल्दी जल्दी होता है ये। अगर आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, फिर यू कैन रिलेट इट विथ वेल, तो पहली मेरा एक प्री रिक्विजिट रहेगा कि थोड़ा सा पढ़ लीजिए और उसके बाद ये रिविजन लेक्चर्स देखिए, तो यू विल बी एबल टू रेजनेट विद द कॉन्सेप्ट, ठीक है। टिल दैट, टेक केयर, बी वेरी वेल हाइड्रेटेड, थोड़ा सा आराम करिए, थोड़ा सा पढ़ाई करिए, थोड़ा सा फ्री रहिए, रिलैक्स करिए, और देखते रहिए स्कूटर रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर कल। बाय बाय, थैंक यू।